दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने पुराने 2G या 3G फ़ोन को जिसमें खाली वाईफाई होना चाहिए, जिसमें आप वाईफाई की कनेक्टिविटी पॉसिबल हो या हो सकती हो, उस फ़ोन को पुराना एप्पल फ़ोन हो, पुराना एंड्रॉयड फ़ोन हो, जिसमें 4G नहीं हो, आप उसको 4G में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून। हाय गाइस, दिस इज़ प्योर एफ टीवी। तो आज मैं आपको इन डेप्थ बहुत ही सिंपल है बताऊंगा कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अगर आपको पुराने फ़ोन को 2G 3G फ़ोन को आईफोन का फ़ोन हो या एंड्रॉयड फ़ोन हो, कोई भी हो, एप्पल का फ़ोन कैसा भी हो, तो आपको उसको 4G में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जो एंड्रॉयड के लिए और वैसे ही एप्पल के फ़ोन के लिए जो उनका स्टोर है, तो एप्पल स्टोर है, वहाँ पर जाके आपको ये 4G वॉइस को जो फैसिलिटी दिया हुआ है, ये एप्लीकेशन है जियो 4G वॉइस, ये आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है, तो ऑटोमेटिक वो इंस्टॉल कर देगा। तो अगर आपको पता करना है कि ये किसको कनेक्ट करेगा, कौन सा वाईफाई यूज़ करेगा, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, मैं उसका आपको लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उसका मैंने अनबॉक्सिंग भी किया हुआ है उस डिवाइस का जिसके थ्रू आपका ये फ़ोन 4G में कन्वर्ट होगा, और उसको सेटअप कैसे करना उस डिवाइस को, ठीक है, क्योंकि ये तो मोबाइल का पार्ट है, वो डिवाइस भी एक अलग है जिसको कॉन्फिगर करना पड़ता है। तो उसके मैं दो वीडियो बनाए, मैं आपको दोनों वीडियो शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले तो चलो जी एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है, इसको अभी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा फास्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी इसका इंस्टॉलेशन ख़त्म हो गया, अभी मैं इस एप्लीकेशन को खोलता हूँ, ठीक है। अभी देखो मेरा वाईफाई जो मैंने चेंज किया है, मैंने पहले फ्यून मेरा घर का जो वाईफाई एयरटेल का ब्रॉडबैंड था, मैंने उसको कनेक्ट किया हुआ है। अभी मैं इसको चेंज करके जो मेरा जियो का डिवाइस मैंने लिया हुआ है, तो जिसकी मैं दो वीडियो की बात कर रहा था, अभी मैं पहले उसको कनेक्ट करूँगा। अभी मैंने उसका नाम फ्यूनेट रखा हुआ है, तो उसको मैंने कनेक्ट कर लिया। देखो अभी जियो 4G वॉइस का जो एप्लीकेशन है, ये खुलने के बाद इसने तुरंत डिटेक्ट कर लिया है कि मेरा जियो का जो डिवाइस है फ्यूनेट है वो कनेक्टेड है, क्योंकि ये उसी के थ्रू कॉल करेगा। आपका घर का जो ब्रॉडबैंड है उसके थ्रू ये कॉल नहीं कर पाएगा। तो आपका मैं दिखा भी देता हूँ, अभी मैं ये जियो का जियो फी लोकल डॉट HTML पेज होता है उस डिवाइस का, जो वाईफाई डिवाइस जियो का है, तो उसका मैंने लिंक खोला है। देखो उसका नाम मैंने फ्यूनेट रखा हुआ है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने लिंक कौन सा खोला है। अभी राइट साइड पे आपको ये देखो लिंक दिखेगा, जियो फी लोकल HTTPS जियो फी लोकल डॉट HTML है। और अभी इसको आपको दिखा देता हूँ, इसका डाउनलोड कितना कर लिया मैंने आज के दिन में, 920 MB कुछ डाउनलोड कर लिया है, क्योंकि इन्होंने अभी 1 GB का अपर लिमिट सेट कर दिया, पहले 4 GB था। तो अभी चलो ये एप्लीकेशन को खोलते हैं। तो जैसे हम इस एप्लीकेशन खोलेंगे, तो जो मेरा जो जियो फी का जो डिवाइस मैंने लिया हुआ है, जियो फी के बहुत सारे डिवाइस है, 1 है 2 है 3 है, और जियो फी 4 भी डिवाइस आ चुका है मार्केट में, उनमें कुछ डिफरेंस नहीं है, उनमें लुक करते हैं, बाकी सब रेंज, नंबर ऑफ़ यूज़र्स ऑलमोस्ट उन्होंने सेम ही रखा है। तो अभी मैंने इसको जैसे मैंने कनेक्ट किया, तो अभी इसने मेरा एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो मेरा ये करंट मोबाइल नंबर है, इस पर OTP भेजा है। उस OTP को लेके मैं अपना जियो फी का जो एप्लीकेशन है उसको इस मोबाइल पे मैंने इंस्टॉल किया है, तो इसका रजिस्ट्रेशन मैं कर रहा हूँ। तो बता रहा हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है मेरे इसी फ़ोन से चलेगी, और जियो फी डिवाइस का जो डाटा यूज़ करेगी कॉल करने के लिए, तो वो इन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन होगा, ऑथेंटिक होगा, तभी कम्युनिकेशन होगा हो पाएगा। तो ये सब फीचर दिखा रहे हैं, SMS कर सकते हो, चैट कर सकते हो, फन एट ऑल, बहुत सारे इन्होंने फीचर दिए हैं, तो आप स्मार्ट कॉलिंग भी कर सकते हो। तो अभी हमने ये सब सेटअप कर लिया है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ, ओके। तो इसको क्लिक करने के बाद अभी मैं दिखाऊंगा कि देखो अभी इसने बोला जैसे कान के पास फ़ोन लेके जाओगे तो ऑटोमेटिक वो कॉल लगा देगा, कॉल चालू कर देगा। तो ये टेस्ट कॉल डमी कॉल है, इसका नंबर था, नंबर मैंने हाइड कर दिया, ज़रूरत नहीं है उसको दिखाने की, तो आपको भी सेम ही नंबर दिखेगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैं अपना अभी फ़ोन में जाके डायलर बटन पे जाऊँगा जहाँ पे हम फ़ोन कॉल करते हैं, तो ये वो नंबर था जहाँ पे इन्होंने डमी कॉल लगाया था। तो अभी मैं आपको कोई भी एक रैंडम कॉल लगा के दिखाऊंगा कि कैसे कॉल करनी है। तो चलो मेरे पास ऑलरेडी कॉन्टैक्ट है, तो जब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को दो ऑप्शन देगा, तीन ऑप्शन देगा एक्चुअली, दो कॉल के लिए देगा और तीसरा देगा वीडियो कॉल के लिए। तो जो सेंटर वाला बटन है वो जियो के लिए बटन है, जो एक्सट्रीम राइट वाला बटन है वो मेरा नॉर्मल ऑपरेटर के थ्रू कॉल करने के लिए है। तो अभी मैं देखो जो कॉल जा रही है, आपको आवाज़ सुन रही है, तो अभी मैं कॉल को डिस्कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अगला जो मैं आपको सेटिंग दिखाने वाला हूँ, देखो अभी मैं क्या करूँगा, इसमें मेरा जो नेटवर्क है, मैंने सिम निकाल दी है, देखो सिम अभी नो सिम कार्ड है, मेरा सिंगल सिम है, इसमें कोई डुअल सिम नहीं है,
ठीक है, तो अभी मैं फिर से कॉल करूंगा, तो अभी ये ऊपर जो फियो नेट कनेक्टेड है जो उसके थ्रू जाके कॉल करेगा। मैं फिर से बीच वाला बटन दबाऊंगा, इसने फिर से रैंडम नंबर पे जो मैंने चूज़ किया है उस पर कॉल लगा दिया। देखो आपको रिंग सुन रही है, तो अभी मैं इसको काट देता हूँ क्योंकि मेरे को कॉल तो उठानी नहीं है, मेरे बाजू में बज रहा दूसरा फ़ोन भी, तो काट दिया जी फ़ोन। तो ऐसे ये सब हो गया सक्सेसफुल, तो अभी आप भी बोल सकते हो ऐड की तरह। हाँ पापा, जियो नया जियो फाई, अब कोई भी 2G या 3G फोन इससे कनेक्ट करो और 4G का मजा पाओ। 2G फोन में भी 4G, 3G फोन में भी 4G, जियो। तो देखो ऐसे आपका जो 2G फोन हो, 3G फोन हो, नो मैटर कौन सी कंपनी है, उसको आप 4G फोन में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो मैंने आपको दिखा दिया है, तो बाकी अभी आपके ऊपर है। आपको कोई भी इश्यू अगर आए तो जस्ट लीव कमेंट्स मेरे को बताएं, ठीक है? आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? सो गाइस स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जस्ट लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लीव थम्स अप, घंटे में जरूर क्लिक करो क्योंकि वो नोटिफिकेशन बटन है, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको मेरे ऐसे और भी बहुत से नए वीडियोस हैं जो मैं टेक्नोलॉजी के लिए बनाता हूँ, जहाँ मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ कि गाइड कर सकूँ सेटअप कैसे करना है। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक माई वीडियोज, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।